Hello everyone. In this video, we will discuss about social audit. इस सीरीज में हम दो तीन पार्ट्स में इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा ये समझना कि सोशल ऑडिट है क्या. इन द कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट नीड फॉर सोशल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट एंड what are the things which social auditor required to be included in his social audit work. Then we will discuss uses of social audit findings, and in the last video we will discuss very important topic, that is why social audit is ineffective in India. This is very important question. Even in 2018 in UPSC mains exam this questions was there. So in various parts we will cover all these topics related with social audit. So let's start with the today's video. Aur isme hum discuss karenge basic social audit ke bare mein. So social audit समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या है. तो ऑडिट का मतलब है वेरिफिकेशन करना. जब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जिसे हम ऑडिटर कहते हैं वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है, कंपनी की बुक्स को चेक करता है और इस बात को वेरीफाई करता है कि क्या कंपनी के अकाउंट्स कंपनी की ट्रू एंड फेयर पोजीशन बता रहे हैं कि नहीं, दैट इज़ नोन एज ऑडिटिंग. नाउ व्हाट इज सोशल? सोशल मीन्स सोसाइटी, सोशल मीन्स पब्लिक, सोशल मीन्स बेनिफिशरी, मीन्स ऑल दोज पार्टीज विच आर गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, राइट. सो अब इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को हम एक साथ जोड़ लेते हैं. सोशल मीन्स बेनिफिशरीज, दोज पार्टीज हु आर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, एंड ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन. अब सोशल ऑडिट क्या है? तो सोशल ऑडिट है एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें ये चेक किया जाएगा कि क्या कंपनी वो सारे पैसे, वो सारी एक्टिविटीज़ जो उसने सोशल वेलफेयर के लिए लगानी थी, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि उसने सोशल वेलफेयर के लिए परफॉर्म करनी थी, क्या कंपनी उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है कि नहीं, इस चीज़ की वेरिफिकेशन करना सोशल ऑडिट कहलाता है. इट इज़ लीगली मैंडेटेड प्रोसेस वेयर बेनिफिशरीज ऑफ पर्टिकुलर स्कीम इवैल्यूएट दैट वेदर द पर्टिकुलर स्कीम इज फॉलोइंग सेटिस्फाइंग इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स गोल और नॉट. इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको इसको एग्जांपल देते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का या हमारी स्टेट गवर्नमेंट का. किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर करने के लिए कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं अपॉइंट कर देती है, कुछ स्कीम्स जो हैं डिसाइड कर देती हैं. उन स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये चेक करती है कि ये डेवलपमेंट हमने करनी है और इस डेवलपमेंट के लिए इतना फंड जो है वो गवर्नमेंट सैंक्शन कर देती है. मान लीजिए गवर्नमेंट किसी स्टेट की करना चाहती है रूरल डेवलपमेंट अपने स्टेट में, रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें ओपन करना चाहती है. तो इस केस में जो गवर्नमेंट ने पैसे सैंक्शन किए हैं, क्या उन पैसों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया गया है कि नहीं,
इन सब चीज़ों की वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों की वेरिफिकेशन चेकिंग जो है वो सोशल ऑडिट के अंदर की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब एक इंडिपेंडेंट पार्टी ये चेक करेगी कि क्या किसी अथॉरिटी ने अपना सोशल वेलफेयर किया है, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव अचीव किया है कि नहीं, इस चीज़ की इंस्पेक्शन करना, इस चीज़ की रिपोर्टिंग करना सोशल ऑडिट कहलाता है। अ सोशल ऑडिट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग एंड अल्टीमेटली इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। सोशल ऑडिट क्या करेगी, मेजर करेगी, इस प्रोसीजर में हम मेजर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे क्या कंपनी ने अपना सोशल परफॉर्मेंस प्रॉपर दी है, एथिकल नॉर्म्स को कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं। अ सोशल ऑडिट हेल्प टू नैरो द गैप बिटवीन गोल एंड रियलिटी। गोल, हमने कुछ गोल सेट किया है, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किया है सोसाइटी से रिलेटेड, क्या उस गोल को कंपनी ने अचीव किया है कि नहीं, इस चीज़ की जो रिपोर्टिंग करनी है वो सोशल ऑडिट के अंदर की जाएगी। इट वैल्यू द वॉइस ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स बेनिफिशरीज, स्टेक होल्डर मीन्स ऑल दोज पार्टीज हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन द कंपनी। दैट कैन बी योर इन्वेस्टर्स, दैट कैन बी योर कस्टमर्स, योर एम्प्लॉयज, ऑल दोज पार्टीज हु आर हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द कंपनी, दे विल बिकम द बेनिफिशरीज, दे विल बिकम द स्टेक होल्डर्स। अब सोशल ऑडिट के अंदर हम जितना भी ऑडिट काम करेंगे उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, ये चेक करना कि स्टेक होल्डर्स को कंपनी बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही। इंडिया में मेनली जो सोशल ऑडिट है वो करना ज़रूरी है जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, जिन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं कि सोशल वेलफेयर करना है, उन्होंने अपना बजट सेट कर रखा है कि हमने इतना बजट जो है सोशल वेलफेयर में लगाना है, इन सब कामों में लगाना है। अब वो काम कंपनी, अथॉरिटीज, एनजीओज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है हमारे सोशल ऑडिट के अंदर। सोशल ऑडिटिंग इज टेकन अप फॉर द पर्पस ऑफ इन्हांसिंग द लोकल गवर्नेंस। गवर्नेंस इज ऑल्सो द सुपरविजन, चेकिंग करना कि ये रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो किया गया है कि नहीं करना। स्ट्रेंथनिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लोकल बॉडीज। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ क्लियर हो कि ये ऑब्जेक्टिव थे किसी लोकल बॉडी के, क्या उसने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। अगर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीस फंड जो है वो डिसाइड किया था एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, क्या उस स्कीम में उतने पैसे एक्चुअल में लगाए भी गए हैं कि वो पैसे जो हैं किसी तरीके से इधर उधर मैनिपुलेशन हो गई है और किसी ने उसका पर्सनल बेनिफिट ले लिया है। इन सब चीज़ों की इंस्पेक्शन करना, एग्जामिन करना ही हमारा सोशल ऑडिट कहलाता है। कुछ लोग सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट को एक ही टर्म लेकर चलते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अकाउंटिंग रहेगा रिकॉर्डिंग करना, जब हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ द सोशल अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू मोनिटर द सोशल परफॉर्मेंस। जब हम सोशल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जब हम इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ सोशल अकाउंटिंग। एंड वॉट इज़ सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग सिस्टम टू वेरीफाई द फर्म्स रिकॉर्ड
ऑफ सोशल परफॉर्मेंस, यहाँ एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है याद करना, दैट इज़ वेरिफिकेशन। जब हम वेरीफाई कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट पार्टी वेरिफिकेशन कर रही है, दैट इज़ नोन एज योर सोशल ऑडिट। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस बेसिक टर्म को ही समझेंगे कि सोशल ऑडिट क्या है। पार्ट टू में हम करेंगे नीड ऑफ सोशल ऑडिट, देन वी विल कवर वेरियस पॉइंट्स रिलेटेड विद सोशल ऑडिट इंक्लूड्स विच आइटम्स। कमिंग वीडियोस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद सोशल ऑडिट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो एंड डू कमेंट, डू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।